वेल हेलो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डार्क गेमिंग। में आप सभी लोगों का स्वागत है यार के मोबाइल के एक और एपिसोड में। एंड अगर आप पिछले वाला एपिसोड नहीं देखे तो जाओ चेकआउट करो, यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, जाओ चेकआउट करो पिछला वाला एपिसोड। एंड थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली इस एपिसोड में हम रैप्टर को टेम करने वाले हैं, एंड उसके अलावा उसका एक परसूट भी है रैप्टर हंट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आई थिंक इसके अंदर हमें 4 रैप्टर को मारना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। एंड उसके अलावा हमें फीमेल रैप्टर चाहिए अभी, क्योंकि उसका अंडा चाहिए, एंड उसके अंडे से हम मैमथ को टेम कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एक परस्यूट भी है, उसके अंडे से केबल बनाने का एक परस्यूट भी है, तो बेसिकली दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। सो इसलिए हमें एक फीमेल रैप्टर ही चाहिए। आई थिंक वी आर प्रिपेयर टू गो, क्योंकि सारे के सारे चीज़ है मेरे पास, लाइक बोला है ट्रैंकेरोस है एंड नार्कोटिक्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी मेरा प्लान काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, लाइक साउथ जोन 2 पे जाएंगे एंड वहाँ पे डिफ़िकल्टी में ईजी है, बट आई हैव लिटरली नॉट कि वो किस तरह का डिफ़िकल्टी है, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनोसॉरस एंड बेरियन स्पॉन होते हैं एंड डिफ़िकल्टी ईजी है। लाइक कौन बताएगा कि स्पाइनोसॉरस एंड बेरियोनिक्स को इजी डिफिकल्टी में हरा सकते हैं, आई हैव लिटरली नो आइडिया भाई। सो बेसिकली अभी उसी लोकेशन पे हम जा रहे हैं एंड वहाँ पे भाई माउंटेन के ऊपर काफ़ी सारे रैप्टर्स एंड कॉर्नेटोसॉरस स्पॉन होते रहते हैं, एंड कॉर्नेटोसॉरस से थोड़ा सा हमें बच के रहना होगा, क्योंकि अभी हम प्रिपेयर नहीं है कि कॉर्नेटोसॉरस को हेड ऑन हम टैकल कर पाए। एंड उसके अलावा उस माउंटेन के ऊपर आपको मेटल एंड क्रिस्टल्स मिल जाएगा, एंड इग्नोर दैट भाई, हर वीडियो के अंदर क्यों बचता है नोटिफिकेशन, कौन मैसेज कर रहा है भाई, लेवल 35 एंड लेवल 55। सो या ऑब्वियसली हम लेवल 35 को ही टेम करेंगे या पता है, क्योंकि लेवल 55 मेल है एंड लेवल 35 फीमेल है। सो बेसिकली हमें फीमेल चाहिए यहाँ पे, एंड या मेल उतना हाई लेवल का भी है नहीं तो चलेगा, एंड हमारा जो परस्यूट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें फ़िलहाल के लिए 4 रैप्टर को मारना है, बट लेट्स सी, ये हमारा फर्स्ट रैप्टर होगा 55 लेवल का, मेल ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, या मेल ही है। एंड बाय द वे रैप्टर को हंट करना एंड टेम करना काफ़ी ज़्यादा ही ईजी है, बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल ये करना होगा, लाइक एम करना होगा ठीक ढंग से, वरना भाई काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी क्लोज आ जाते हैं ना भाई, आपको सर्कल मारना शुरू कर देंगे एंड आपको एम करना काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत होगी। एंड वहाँ पे बेरियोनिक्स है, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम बेरियोनिक्स को भाई टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई को काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। या मैं बोला करके भाग सकता हूँ, बट फिर भी उसका मोमेंटम स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही रहता है एंड एक दो शॉट में ही मुझे मार देगा वो, तो थोड़ा सा संभाल के रहेंगे यहाँ पे। बहस किया कि 1 से 2 कैसे हो गए, बट फिर भी चलेगा, हमें 95 लेवल का फीमेल रैप्टर वही टेम कर लेंगे, एंड उसके अलावा वो जो 35 लेवल का है ना उसको भी हम टेम कर लेंगे। सो फाइनली ये अकेला हो चुकी है एंड प्रॉबली हम इसको टेम कर सकते हैं। मुझे प्लान सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है यहाँ पे, लाइक पास जाऊँगा, थोड़ा सा एग्रो करूँगा एंड वो मेरे पीछे आ जाएगा, एंड यहाँ पे पानी है ना उसका मोमेंटम स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही स्लो होगा। ओ आ रही है, निकलो यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो रहता है पानी के अंदर उसका मोमेंटम स्पीड, एंड हम ईजिली थोड़ा सा मोमेंटम गेन करके बोला कर सकते हैं उसको। बताए रैप्टर को आप ट्रैप बना के भी टेम कर सकते हैं, लाइक 2x2 ट्रैप बना के भी आप टेम कर सकते हैं रैप्टर को, बट ये काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल वे है। लाइक आप बोला करो, 30 सेकेंड्स का आपको टाइमर रहता है एंड आप इजीली हेडशॉट मारो, क्योंकि रैप्टर के ऊपर हेडशॉट काउंट होता है, एंड दैट्स इट, ये 3 या 4 शॉट में ही ख़त्म हो जाएगा। लाइक ये 35 लेवल का है, मोस्ट प्रोबली 2 एरोस लेगा, प्रोबली गिर जा भाई, हेलो ओके, मोस्ट प्रोबली गिर जाएगा, या 3 शॉट्स, अगर वो हेडशॉट पड़ा ना 2 ही शॉट में ये डाउन हो जाता, बट चलेगा। एंड कॉर्नियोरस को टेम करना उतना मुश्किल नहीं होगा कंपेयर टू हर्बियोरस, क्योंकि हर्बियोरस अगर आप टेम कर रहे हो ना, आपको बेरीज चाहिए एंड बेरीज से लिटरली काफ़ी घंटे लग जाएंगे। अगर आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा कि कितना टाइम लेता है अगर बेरी से आप हाई लेवल का क्रिएचर को टेम कर रहे हो ना। हमारा जो स्टेगोसॉरस है वही 3 दिन लग गया था भाई, एआरके के अंदर लिटरली 3 दिन लग गया था बेरी से टेम करना। एंड ये जो जितने भी कॉर्नियोरस है ना, उतना दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आसानी से आप मीट जो है वो खिला के टेम कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास थोड़ा सा बढ़िया सा क्रिएचर एंड बढ़िया सा वेपन हो तो आप बड़े बड़े क्रिएचर को हंट करके प्राइम मीट भी खिला सकते हैं एंड उससे थोड़ा सा जल्दी टेम हो जाएगा। अरे यार ये किधर जा रही है भाई, यहाँ पर आ जा, लेट्स सी एग्रो थोड़ा सा यहाँ पर करने का, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा सेफ है, लाइक वहाँ पे बेरियोनिक्स है, वो कब हमला हमारे ऊपर कर देगा भाई लिटरली पता नहीं रहेगा।
आसपास और कोई है क्या? लाइक मैंने एक और रैप्टर को यहाँ पे नोटिस किया था, बट वही ना, चलो सबसे पहले जो 95 लेवल का रैप्टर है ना, इसको टेम कर लेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाद में हम हमारा जो ये परस्यूट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक अभी 3 ही रैप्टर चाहिए हमें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके नाइस, 95 लेवल का रैप्टर बोला हो चुका है, एंड चलो अभी हेडशॉट मारेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 या 3 में ये डाउन हो जाएगा, उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉबली 3, अरे हो जा भाई। ओके सो अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा एंड ये रैप्टर टेम हो जाएगा। लाइक उतना टेंशन लेने की बात है नहीं, एक ही एपिसोड में ये टेम हो जाएगा, तो टेंशन मत लो कि हम 2-3 एपिसोड तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या एक ही एपिसोड में ये टेम हो जाएगा। एंड आसपास भाई काफ़ी सारे स्टेगोसॉरस घूम रही है, तो हमें प्रेमिट का कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम इजीली उनको मार के प्रेमिट जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। एंड अभी हमें बस ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो जितने भी रैप्टर्स हैं यहाँ पे वो कहाँ पे है, एंड हमें हंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रेमिड चाहिए ना भाई, स्टेगोसोरस बेस्ट है, आप इजीली काफ़ी सारे प्रेमिड जो है स्टेगोसोरस से इकट्ठे कर सकते हैं। लाइक आई थिंक 3-4 हमें इजीली स्टेगोसोरस से मिल जाएगा, एंड इनका मोमेंटम स्पीड काफ़ी स्लो रहता है, एंड हम इनको इजीली अटैक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे क्रिएचर्स है जो कि प्रेमिड प्रोवाइड करती है, बट ईजीएस्ट प्रेमिड इकट्ठे करना है ना वो स्टेगोसोरस ही है। उसके अलावा भाई काफ़ी सारे क्रिएचर्स हैं, बट वो उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा रहता है या उनका अटैक काफ़ी ज़्यादा ही रहता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक रहता है, तो थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपको इजीली प्रेमिड चाहिए ना, स्टेगोसोरस बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। अबे यार 100 लेवल का वो भी फीमेल है ये, टेम कर लूँ क्या? लाइक ऑलरेडी मेरे पास 95 लेवल का है, तो 5 लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो एंड और भी काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है इसको अगर टेम करना बैठा तो या हमें एक असेंडेंट वाला गैलीमयमस का सडल मिल चुका है, जो कि हम कभी भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट एट द एंड हम एक परस्यूट कंप्लीट कर चुके हैं जो कि रैप्टर हंट, एंड उससे हमें एक रिवॉर्ड भी मिल चुका है, तो काफ़ी घटिया रिवॉर्ड मिला है जो कि हम यूज़ करने वाले नहीं ना, तो इसीलिए हमें घटिया लग रहा है। बट जो भी गैलीमयमस फैंस है भाई, तुम लोग एक परस्यूट कंप्लीट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉम्पी तेरी क्या है भाई, तेरा भाई इतना छोड़ा है एंड बुली करने के लिए आ रहा है भाई, हद देती है यार। ओके हमारा आज का एक मिशन कंप्लीट हो चुका है जो कि रैप्टर हंट, एंड नेक्स्ट मिशन हमारा जो है रैप्टर टेमिंग वो ऑन द वे प्रोसेस है। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टैमिना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक 300 तक हम स्टेमिना को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। लाइक मोमेंटम स्पीड फ़िलहाल के लिए ठीक है, 130 मोमेंटम स्पीड इज़ एनफ, एंड मैं मैक्सिमम 145 तक लेके जाऊँगा मोस्ट प्रॉबली। तो चलो कितना हो रखा है हमारा जो रैप्टर, ये 35 लेवल का, या ऑलमोस्ट हो जाएगा ये। बट ये 95 लेवल का रैप्टर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लाइक ऑलरेडी इसका परमिट ख़त्म हो चुका है इसके इन्वेंट्री के अंदर। तो या 65, मुझे और थोड़ा सा स्टेगोसोरस या दूसरा क्रिएचर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे प्राइमेट प्रोवाइड कर सके। अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई स्टेगोसोरस मुझे दिख नहीं रहा, एंड कैलिकोथेरियम दिख रहा है, बट काफ़ी ख़तरनाक क्रिएचर है, अभी उनसे मैं लड़ तो नहीं सकता। डिप्लोडोकस 55 लेवल का, बट इसका हेल्थ भाई काफ़ी ज़्यादा ही है। चलो इससे ज़्यादा डैमेज तो हमें नहीं पड़ने वाला है, तो हम इसको ईजी मार तो सकते हैं। एरोस तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही है, एंड असेंडेंट बो है ना, तो चल जाएगा इजीली, हम मार तो सकते हैं इसको। होप करें कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें प्रेम, ओह भाई क्या ये, ओह लाइक डेथ एनिमेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार ये। ओह नहीं 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 ओ भाई ये रैप्टर कैसे, आप भाग भाग यहाँ से भाग। ओह शिट, नहीं 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 अरे यार गया गया गया, ओ नहीं नहीं यार सारे के सारे आर्मर गए हमारा। सबसे पहले पानी के अंदर चलो, या 15 लेवल का रैप्टर है तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं, सबसे पहले पानी के अंदर। लाइक अच्छी बात ये कि इस पानी के अंदर अभी फिरानास है नहीं। ओ, ओ मैंने हंट किया, उसको टच मत करना भाई। अबे साले क्या, ओ हद होती है यार इसका, अरे निकल यहाँ से साले मेरा है वो। ओके कितना मिला है हमें, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है मोस्ट प्रॉबली। एंड ये वर्टिब्रेट्स भाई, लाइक लिटरली यार क्या फ़ायदा है इसको कलेक्ट करके, लाइक सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं है मोबाइल के अंदर। लाइक पीसी के अंदर तो भाई बॉस फाइट के लिए ट्रिब्यूट वगैरह करना होगा, बट मोबाइल के अंदर कुछ तो यूज़ रखना चाहिए यार। लाइक आइटम ऐड किया हो तो उसका यूज़ तो रहना चाहिए।
चलो अभी हमारा जो रैप्टर का सडल है वो अनलॉक कर लेते हैं, या ऑलमोस्ट बना सकते हैं। लाइक हाइड है ऑलरेडी हमारे पास एंड वुड एंड फाइबर चाहिए हमें। एंड एक और चीज़ है, सबसे पहले चीज़ हमें ये अनलॉक करना होगा टेराडॉन का सडल। भाई फाइनली हम टेराडॉन का सडल बना सकते हैं एंड प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड जो है हम हमारा जो टेराडॉन है उसको रेड करेंगे। अगर आज के एपिसोड के अंदर हमारे पास टेराडॉन होती ना भाई काफ़ी ज़्यादा ही आसान हो जाता, बट कोई ना, चलो एक एपिसोड हम एडजस्ट कर लेंगे एंड नेक्स्ट एपिसोड से हमारे पास एक फ्लेयर आ जाएगा। हमारा दोनों रैप्टर अभी टेम हो चुके हैं एंड हम फाइनली घर जा सकते हैं। रात होने से पहले ही मुझे घर जाना पड़ेगा वरना काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है। हंट करते करते एक और लेवल अप बढ़ चुकी है। अभी फिलहाल के लिए स्टैमिना पे ही जाएंगे, लाइक 300 कर देंगे स्टैमिना एंड उसके बाद हम थोड़ा सा वेट इंक्रीज करेंगे। मोमेंटम स्पीड मोस्ट प्रोबब्ली एट द एंड लाइक 50 लेवल होने के बाद हम मोमेंटम स्पीड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो या फाइनली हमारे पास रैप्टर आ चुके हैं एंड अभी किस तरह हम घर जा सके वो देखना पड़ेगा। लाइक ऑलरेडी मेरे पास सडल है तो हम राइड करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी फिलहाल के लिए हमारा जो दोनों रैप्टर है इजीली टैकल तो कर सकते हैं बाकी क्रिएचर्स है, तो प्रोबब्ली आई थिंक राइड करके जाऊंगा मैं। क्या मैं इसको मार सकता हूँ? लेकिन 80 लेवल का कॉर्नो एंड 1K हेल्थ है तो मार तो सकता हूँ, बट वो डैमेज काफ़ी ज़्यादा ही करता है, वो दिक्कत वाली बात है। आई थिंक मैं इन दोनों को एक पे छोड़ के जाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होगा। एंड या ये भी फॉलो कर रहा है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। आई चेंज माई माइंड, मैं इन दोनों को राइड करके घर पे लेके जाने वाला हूँ नहीं, लाइक डायरेक्टली मैं पैदल ही जाऊँगा एंड वहाँ पे जाके मैं टेलीपोर्ट करवाऊँगा इन दोनों को। वो काफ़ी ज़्यादा ही आसान है एंड मेरा मोमेंटम स्पीड काफ़ी बढ़िया है एंड ईजिली हम किसी भी क्रिएचर से बच सकते हैं। लाइक कॉर्नेटोसॉरस भी अगर मेरे पीछे पड़ गया ना, मैं ईजिली बच सकता हूँ। तो अभी जितने भी ज़रूरत सामान है वो सारे के सारे ले लेते हैं एंड या मैं आपको डायरेक्टली घर पर मिलूँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है एंड दिक्कत तो भाई होगी होगी यहाँ पे। लाइक कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे। लाइक अच्छी बात यह है कि मैं टॉर्च लेके घूमता हूँ हर वक्त, वरना भाई काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात होती है यहाँ पे। होम स्वीट होम, भाई फाइनली वी आर बैक टू बेस। ऑलरेडी सीरीज के अंदर काफ़ी सारे बार मैं बता चुका हूँ, बट एक और बार मैं बताऊँगा। इन्वेंट्री के अंदर जाओ, टेम्स के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे जो भी आपको टेम टेलीपोर्ट करना है उन डायनोस के नाम के ऊपर क्लिक करो एंड रिक्वेस्ट करो, वो आपके पास आ जाएगा। बट ये एक दिक्कत वाली बात ये है कि उनके जितने भी इन्वेंट्री के अंदर सामान रहता है वो सारे के सारे वहीं पर ड्रॉप हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रैप्टर आता है यहाँ पर। सो इस तरह करके आप डेनोस जो है उनको टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बट जितने भी आइटम्स जो है ना उनको आप टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, वो एक दिक्कत वाली बात है। मुझे सारे के सारे जो सामान है यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्टोरेज चेस्ट जो है वो लगा देता हूँ, उसके बाद जब हमें टाइम मिलता है ना वो सारे के सारे जो आइटम्स हैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सून या बेस लोकेशन जो है वो चेंज करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल्स जो है, लाइक जैसे जैसे हम लेवल अप बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे पास डेनोस आ जाते हैं ना, काफ़ी सारे मटेरियल्स भी आ जाते हैं उसके साथ, तो वो एक दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। क्योंकि एक ही टाइम पे हम सारे के सारे जो चीज़ें शिफ्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक भाई काफ़ी सारे चीज़ आ चुके होंगे हमारे पास। सो सून इनफ एक बेस लोकेशन ढूंढेंगे, वहाँ पे टेम्प्रेरी सेटअप लगाएंगे एंड जैसे ही हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेस आ जाते हैं एक बेस बिल्ड करने हैं जितना, हम एक बेस बिल्ड करेंगे उस लोकेशन पे। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाओ एंड आप लोग बताओ कि किस लोकेशन पे मुझे बेस बिल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोकेशंस है यार के मोबाइल आइलैंड के अंदर, काफ़ी सारे लोकेशंस मुझे पता है, बट आपको किस लोकेशन पे बेस बिल्ड करना है मुझे वो बताओ एंड मैं उसी लोकेशन पे जाके बेस बिल्ड करने वाला हूँ। एंड उसके अलावा भाई इस वीडियो आपको किस तरह लगा कमेंट सेक्शन में जाओ एंड बताओ कि किस तरह लगा इस वीडियो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सजेशन मिल जाएगा एंड मैं भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने का चांस मिल जाएगा मुझे। तो कमेंट सेक्शन में जाओ एंड बताओ कि ये वीडियो किस तरह लगा। सो गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते यार क्या कर रहे हो, लाइक करो एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का मज़ेदार गेमिंग एपिसोड मैं लाता रहता हूँ। एंड उसके अलावा भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।